चलें, सो मूविंग ऑन टू द फाइनल प्रॉब्लम, उसके बाद थोड़ी सी ब्रेक कर लेंगे। 8-7, अगेन आपके पास एक यूनिफॉर्म रॉड है, यूनिफॉर्म पोल है, जिसका वेट आपको गिवन है 30 पाउंड्स एंड इट हैज अ लेंथ ऑफ 26 फीट। इफ इट इज प्लेस्ड अगेंस्ट द स्मूथ वॉल एंड ऑन अ रफ फ्लोर, यानी वॉल अगेन स्मूथ है बी पे और फ्लोर रफ है ए पे, एट अ पोजिशन में डी इक्वल टू 10 फिट, नाउ विल इट रिमेन इन दिस पोजिशन और विल इट रिमेन इन इक्विलिब्रियम जब आप इसको यहां छोड़ेंगे? केस 1, 2, 3 क्विकली। सर केस वन तो इट इज केस वन वन नाउ। इसमें अब इक्विलिब्रियम का पूछा। ये हमें क्लैरिटी है कि उसने कहा है कि आप जब इसको छोड़ेंगे तो क्या ये इक्विलिब्रियम में रहेगा या नहीं, इसी पोजीशन में रहेगा या नहीं। सो इट इज केस वन, जिसमें आप फ्रिक्शन को अननोन लेके सॉल्व करेंगे और फिर उस वैल्यू को कंपेयर कर देंगे मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन के साथ। सो अगर मैं इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, वेट इसका डाउनवर्ड एक्ट करेगा जिस तरह हमने इसे पिछली प्रॉब्लम में लिया था, एन ए आपका अपवर्ड एक्ट करेगा और फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में एक्ट करेगी? अगेन लेफ्ट लेफ्ट साइड, साइड सर लेफ्ट साइड पे फ्रिक्शन है। तो अगेन लेफ्ट की तरफ मूव करेगी, लेफ्ट की तरफ फ्रिक्शन एक्ट करेगी। तो ये आपके पास फ्री बॉडी डायग्राम आ जाएगी। अब आपकी अपनी चॉइस है, आप थीटा डिटरमिन कर सकते हैं। कैन यू डिटरमिन दिस थीटा? हाइपोटेन्यूज 26 है, बेस 10 है, तो कौन सा साइन कॉस टेंजेंट में से फॉर्मूला है जिसमें बेस और हाइपोटेन्यूज इन्वॉल्व हो? सर कॉस। कॉस थीटा आपके पास क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स। बेस बेस और ओवर हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो ये आपके पास थीटा आ जाएगा, विच कम्स आउट टू बी 67.38 डिग्रीज, ठीक है। सो वंस यू हैव फाउंड दिस थीटा, नाउ क्विकली टेल मी इक्विलिब्रियम इक्वेशन हमें कौन कौन सी यहाँ अप्लाई करनी चाहिए आपके ख्याल में, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एफ ए? बेसिकली तो हमें एफ ए की वैल्यू चाहिए ताकि जो है वो हम ये जज कर सकें कि क्या ये इक्विलिब्रियम में रहेगा या नहीं। सर पहले हम वाई एक्सिस पे अच्छा, करेंगे क्योंकि वो एक ही अननोन है सर उधर। वाई एक्सिस पे अगर मैं करता हूँ अप्लाई, तो वाई एक्सिस के अलोंग कौन सी फोर्सेस हैं? डब्ल्यू एक्ट कर रहे हैं और और क्या एन एक्ट कर रहे हैं? सर एन ए एन एन ए। ए सो डब्ल्यू और एन ए एक्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव मैंने साइन लगा लिए, दैट शुड बी इक्वल टू 0। इट विल गिव मी द वैल्यू ऑफ एन ए टू बी इक्वल टू 30 पाउंड। और उसके बाद फिर सर अभी दूसरे लगा लेंगे सर एक्स एक्सिस पे। अच्छा एक्स पे लगाता हूँ तो मुझे एफ ए मिलेगा यस सर और एन बी मिलेगा, ऐसे ही है। यस सर चलें सर लेकिन मोमेंट ना लगा लें सर इसको। चलें मोमेंट लगा लेते हैं। मैं तो ये पूछना चाह रहा था कि आप क्यों उसकी तरफ जा रहे हैं, पहले मोमेंट क्यों नहीं लगा लेते? तो यस सर किस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले लूं? सर बी बी वाई बी सर हमें एन ए फाइंड करना है तो वो एन ए तो मैंने एन एन ए तो ऑलरेडी ए आपने एफ फाइंड ए कर सर लिया। सर फ्रिक्शन फाइंड करनी है ना एफ ए। हाँ तो आपने ए पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले लिया, तो फिर नहीं तो नहीं निकल आ गई। सर बी बोला है मैंने सर ए नहीं बोला सर बी बोला। ओके ठीक है, अगर हम बी के अबाउट मोमेंट ले लेते हैं, दैट शुड बी इक्वल टू 0। ओके व्हाट आर द फोर्सेस व्हिच आर क्रिएटिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट बी? वन इज गोइंग टू बी द वेट। वेट का परपेंडिकुलर सर डिस्टेंस कितना है? 20 13 13 कॉस थीटा नहीं आएगा? यस सर 26 26 जो हाफ कर लिए ना सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो दिस इज 13, ओके सर दिस इज 13, तो आपके पास 13 कॉस थीटा आ जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव सर नेगेटिव नेगेटिव आ गया। ओके एनीथिंग एल्स? फ्रिक्शन फोर्स एन ए मोमेंट क्रिएट करेगा। ट्वेंटी सिक्स कॉस थीटा इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो ऐसे 26 कॉस थीटा करने की जरूरत है? एन ए का बी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो गिवन नहीं है। जी यस खामोशी क्यों सर होगी? यस सर वो 10 फीट सर गिवन ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव
सर पॉजिटिव हो। और कोई आपके ख्याल में कोई चीज जो मोमेंट क्रिएट करे? फ्रिक्शनल फ्रिक्शन। सो फ्रिक्शन हम न्यू एन नहीं ले लेंगे बिकॉज दिस इज द इक्विलिब्रियम केस, फ्रिक्शन को अननोन लेके सॉल्व करेंगे। तो फ्रिक्शन एफ ए आ गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट बी कितना है? 26 ये 26 साइन। सो 26 साइन थीटा आ गया आपके पास। पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव नेगेटिव। सो w आपको नोन है, na आपने फाइंड कर ली है, सो ओनली अननोन हियर इज fa। वंस यू सॉल्व इट the value of fa would comes out to be 6.25 pound. now what should we do? what is maximum static friction? sir mu s n a sir usse compare karenge hum. it is mu s n a. mu s aapko given hai 0.3, na aapke paas 30 hai, so this f max comes out to be 9 pounds. So is this FA which you have determined less than or equal to FA max? क्या ये inequality satisfied है? Yes sir. So इसका मतलब क्या है? कि हमारी condition sir true है, मतलब वो equilibrium में ही रहेगा sir. जी, it means that once we leave this uniform rod in the position shown, it would remain in equilibrium. ठीक है? Is it clear to all of you? Yes sir.